अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग 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 किसे कहते हैं, क्या होता है, ध्यान दीजिए। स्मोकिंग दो चीज़ों से, दो चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है स्मोकिंग। देखो इधर, दो चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, या मतलब बीड़ी सिगरेट पीना एंड पान के साथ सुरती खाना, वैसे सुरती खाना, समझ रहे हैं ना, पान के साथ सुरती को खाना, स्मोकिंग करना, पीना बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पीना, साठ साठ बातें बताएंगे ये मेन मेन चीज़ें हैं, बाकी इतिहास को बताने कोई मतलब नहीं है। और मैंने कहा बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू पीना और सुरती खाना, समझ रहे हैं, टोबैको च्यूइंग, सुरती खाना। आप देखते होंगे देहात में, ए भैया तो सुरती रखे हो का, हाँ रखे हैं, अरे थोड़ा हमको दियो यार, ले लेंगे। इधर देखो, इधर देखिए, ऐसे ऐसे रगड़ने के बाद ऐसे कहाँ पे रखते हैं, वेस्टिब्यूल में, ना तो बक्कल कैविटी है ये, ना तो माउथ का बाहर वाला भाग है, ये कहाँ है, वेस्टिब्यूल है। ठोकेंगे 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो सुरती की चाल, पुरानी कहावत कही गई। 80 बार को रगड़ो और 90 बार ऐसे से ठोको, तब के बाद खाओ, उसके बाद देखो सुरती का आनंद। वहीं पागल लोग तुरंत गिरने लगेंगे, जब पागल होकर गिरने लगे, देखे इसी बात पे मारकर गिर गया, इसको भी नशा चढ़ गया। और स्नफ, स्नफ मतलब सुंघनी, आप देखे नशे वाली सुंघनी आती है, सुंघनी वाला मंजन होता है ना, पता नहीं, मुसाका गुल, हाथी छाप, शेर छाप, रानी छाप, कुल अगर वो होता है, क्या वो जानते क्या है, सुंघनी ऐसे करते हैं, उसमें सब नशा रहता है, नशा वाला सुंघनी होता है वो, और खूब कर करके नशा कुल छाता है, सुंघनी कहते हैं उसको। स्नफ टर्मो दिया रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे स्नफ क्या होता है, तो हम बता दे रहे हैं स्नफ यही है। टोबैको च्यूइंग, सुरती खाना, स्मोकिंग, इधर देखिए सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू पीना, 400 साल पुरानी प्रथा है जानकारी के अनुसार, कि 400 साल पहले से लोग ऐसे करते आए हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, सुनो ए लकड़ी सुनो, इतना आप लोग को मानते हैं लेकिन फिर भी आप लोग कुछ बतियाते रहते हैं, हम आपके लिए एक घंटे के लिए आते हैं बतियाने के लिए ना, हमसे भी कुछ बात किया करो, हमारी बातें कुछ सुना करो, ऐसा प्यार नहीं अच्छा होता। प्यार का मतलब है कि एक घंटे डेढ़ घंटे हम आपके पास आएँ तो आप हमसे कुछ बढ़िया बतियाएँ, ना बात करें हमारी बातों को सुने, या तो अपनी बात हमको बताएं, हम ही खड़ा होकर सुन लिया करें, और वापस बात करने रहेंगे, इतना अच्छा लगता है हमको, आप समझे रहे हैं। प्यार का मतलब होता है कि हम आपको ऐसी बात बताएं जिसमें आप आगे निकलते चले जाएं, प्यार ये होता है, जो आपको हमेशा अच्छी राह दिखाए वो प्यार होता है। बोलिए गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमारा आपका प्यार है टीचर स्टूडेंट का, मैं आपको हमेशा अच्छी बातें बताऊंगा ताकि आप निकल जाएं आगे। बोलिए मेरी बात, हम आते हैं क्या करते हैं, एक घंटा ही बताते हैं ना, जोश मिलाओ अपने अंदर, जोश भरो यहाँ पे सीने में, जब सीने में जोश आएगा पढ़ाई खूब मेहनत से करोगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सिलेक्शन पाने। और आप यहाँ मत देखो हमारी क्या औकात है, औकात आपको 25 लाख में देखना है, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, हम इसको मानते भी नहीं,
मानना है आपको 25 लाख में, 25 लाख में आपका पोजीशन क्या है, इस पोजीशन पे आप जाइए, उसी पोजीशन के लिए मैं बताता हूँ बार बार। जो चीज़ ना समझ टीचर्स बार बार पूछिए, प्रॉब्लम हो रही टीचर से पूछिए, कोई दुख तकलीफ है सच पूछिए, हम आपके साथ हैं, लगे हुए हैं। बोली नहीं लगे हैं, फीस में कोई प्रॉब्लम हमसे बताइए, कमीशन में कोई प्रॉब्लम हमसे बताइए, हम आपको जरूर, हम जरूर उसका उद्धार जो है उद्धार करने का प्रयास करेंगे। और अभी तो आपको रिवीजन करना है, हम तो बायोलॉजी में ऐसा रिवीजन करवाएंगे आपका, जो मेन मेन टॉपिक तो पूरा रिवाइज कर, 2 बार बायोलॉजी रिवाइज करवाएंगे हम आपको अपने आप बैठा के, और आपको पढ़वाएंगे कई बार, कम से कम आप कई बार रिवीज करो, ये तो हम रिवाइज करेंगे, और आपको कई बार रिवाइज करवाएंगे कि आप कई बार रटोगे, कम से कम 7 बार रटोगे ही, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो हम करवाना जानते हैं। आप लोग कम लड़के हो, सबके ऊपर हम ख्याल भी कर लेंगे, कौन कौन नहीं पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा है। हमेशा किसी चीज़ से भागा नहीं जाता है, किसी चीज़ को पकड़ के इसके ऊपर क्या अटैक किया जाता है। शेर को देखा कभी, उससे बड़ा भैंसा होता है, जब पकड़ के ही अटक जाता है, पकड़ता है, पकड़ लटक जाएगा वहीं, वो अपना पैर सिर्फ खपसता रहेगा, और पैरवा टूट जाए बेचारे, लेकिन तब वो छोड़ेगा नहीं जब तक उसका ये सांस नली बंद ना हो जाए। जब ये ट्रैकिया बंद हो जाएगा उसकी, ऐसे हाथ के गिर जाएगा तब छोड़ेगा उसको। वैसे आपको अटैक करना है, शेर बनो, गीदड़ नहीं। हमारी बात समझ पा रहे हो? सुरती मगर मत खाना जो पढ़ाने जा रहा हूँ। इनायक सर जी बताए हैं इंडिया किंग स्मोकिंग, तो हम भी चलेंगे सिगरेट स्मोकिंग, नो सिगरेट स्मोकिंग। इम्फाइसेमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लडर का कैंसर हो सकता है, इलाटा प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम भी मैं बात बता रहा हूँ आपको। माउथ कैंसर हो सकता है, बकल कैविटी कैंसर हो सकता है, जौनपुर में तो विशेष होता है, दोहरा खाते, पान मसाला खाते, सब बहुत तगड़ा खाते हैं। बहरहाल सबसे पहली बात होगी स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या क्या आता है तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये देखो स्मोकिंग है, स्मोकिंग। इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें, तीन चीज़ें हम कर लेते हैं। स्मोकिंग आएगा मतलब पीना, सिगरेट हो सकता है, बीड़ी हो सकता है, और दूसरा है टोबैको चिविंग, तीसरा स्नफ, SNUFF, स्नफ्स, सुंघनी, इसका मतलब होता है सुंघनी, इसका मतलब है सुरतिक मतलब फुर्ती, इसका मतलब होता है धुआं लेना और निकालना। कुल का मतलब पहले समझ लो, हम ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, फालतू बकवास में पढ़ाता नहीं, मैं पत्ते बता चुका हूँ, मैंने टॉपिक पढ़ा, बाकी पटवे में जाकर रटो बैठ के राम भरोसे। इसने मैं सुंघनी, हम आप जानते हैं, आप चले जाओ देहात में, चलो दिखाए तो हैं, सिटी की जो महिलाएं जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी बेकूफ टाइप होती, तो दिना भर सुंघनी करती है। हमारे टीचर हैं, यहीं पढ़ाते हैं, वो दिना में 4 बार सुंघनी करते हैं, 4-5 बार करता है, उसका हैबिचुअल हो गया, वो उसको सुंघनी का नशा है। और कितने लोग बिना सुंघनी किए जो है उनका जानते हैं लेटरिन नहीं जा पाएंगे बेचारे, उनको जैसे लगेगा प्रेशर नहीं बन पा रहा है, सुरती खा लेंगे, पान खा लेंगे तब जाएंगे। अधिकतर लोग, कुछ लोग बीड़ी पी के तब जाते हैं, कुछ लोग सुंघनी करके तब जाते हैं, और कुछ लोग क्या होगा सुरती खा के तब जाए, सुरती खा के सुंघनी करके और स्मोकिंग करके तब जाएंगे, फीकल मैटर डिस्चार्ज करके। आप क्या करोगे, उनको आप रोक सकते हो? नहीं। पहला है स्मोकिंग, दूसरा क्या है टोबैको चिविंग, तीसरा क्या है स्नप्स सुंघनी। कितना इयर्स ओल्ड है ये स्मोकिंग? स्मोकिंग इज 400
ईयर्स ओल्ड, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ईयर्स ओल्ड है। इफेक्ट क्या कास कर दिया, देखिए इसका इफेक्ट क्या है, इट कंटेन इट कंटेन, इसमें क्या होता है, निकोटीन, निकोटीन विच इंक्रीज द, जो इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इंक्रीज कर देता है सिक्रीशन ऑफ, देखो ये सब सब याद कर ले, सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, इसका सिक्रीशन बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है, इंक्रीज बीपी, हार्ट रेट, हार्ट बीट रेट, और एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मस्कुलर कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ये सब लिखा हुआ आपकी बुक में, देख लीजिएगा पढ़िएगा, सब मिलेगा, लेकिन दूर दूर मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा, हम उसी को एक जगह कर दिए। जब बीड़ी सिगरेट पीता है कोई, इधर देखिए, पहली बात मैंने क्या बताया आपको, स्मोकिंग सिगरेट बीड़ी पीना, टोबैको च्यूइंग, सुरती खाना, स्नफ सूंघनी करना, बात समझ रहे हैं ना, बोला करो यार, हाँ ना, कितना पुराना है, 400 साल पुराना है, मतलब 400 साल पहले से लोग खाते आ रहे हैं, ये तो जो डाटा प्रोवाइड कर बताता है, कितने पहले खाते रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर क्या है, इफेक्ट क्या काज करेगा, इसमें निकोटीन होता है, यह क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, इनडायरेक्ट एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन सिक्का सिक्रीशन क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हार्ट बीट रेट बढ़ा देगा, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, मस्कुलर कंट्रक्शन बढ़ा देगा, ये सारे एड्रेनलिन का काम होगा, तो कुछ देर के लिए स्फूर्ति आ जाती है, जैसे लगता है कि तरोताज़ा हो गए हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा ये नहीं पता, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका इल इफेक्ट क्या होता है, एब्यूज़ क्या होगा इसका, इरेज कर दे इसको साहब जी, इरेज कर देना, हो गए भाई। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट जो है, हाँ इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, या एब्यूज क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट इसको बोलते हैं, वो तो फायदा कुछ कर रहा था, हार्मफुल इफेक्ट। पहले तीन बात आप जान जाइएगा, कैंसर ऑफ
लट, कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सब मैं लाइन बोल रहा हूँ, कैंसर ऑफ थ्रोट, देख लीजिए बुक में लिखा होगा, यूरिनरी ब्लैडर का, थ्रोट का, लंग का, लिखा है क्या ऐसा कुछ लिखा है ना? इसके अलावा क्या होगा? ये तो सामान्य बात है, और भी हो सकता है, कैंसर ऑफ माउथ, कैंसर ऑफ माउथ का भी होता है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इसके अलावा इम्फाइसेमा हो जाएगा, ये तो जानते हैं, ये सिगरेट स्मोकिंग्स होता है, सिगरेट सिगरेट स्मोकिंग, और सीओ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज इन ब्लड एंड ऑटो कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज। सिगरेट स्मोकिंग से ये नुकसान हो जाएगा। हो गया, इसके अलावा भी होता है, कैंसर ऑफ लंग हो गया, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो गया, कैंसर ऑफ थ्रोट हो गया, थ्रोट मतलब गले का, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यूरिन यहाँ इक्विपमेंट होता है, कैंसर ऑफ लंग फेफड़े का, कैंसर ऑफ माउथ बक्कल कैविटी का कैंसर, इम्फाइसेमा हो सकता है सिगरेट स्मोकिंग कारण। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? इम्फाइसेमा किससे होता है? इम्फाइसेमा ये होता है किससे? अकर्स ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। हो गया, और कार्बन, ये कार्बन कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन, ना जानते तो लिख लिए यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड बुक में दिया होगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, ऑटो कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। हो गया, इसके अलावा क्या हो सकता है? लंग डैमेज भी हो सकता है, लंग डैमेज, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग हो सकता है, ब्रीथिंग, और एस्फाइक्सिया, हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया डिक्रीज, बुक में नहीं है ये, O2 कंसंट्रेशन इन ब्लड, और क्या हो सकता है? एस्फाइक्सिया हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन,
लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, हो गया। न्यूरॉन भी डैमेज होता है, क्या डैमेज होता है, नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, एलाटा प्रॉब्लम हो सकती है। और बुक में कुछ सिम्टम दिया हुआ है बता दीजिए, नहीं तो और ज़्यादा बता देंगे फालतू बुक में। और कौन नीचे और डैम कुछ सिम्टम दिया होगा, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आप बुक बताइएगा। ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नसें फट जाएंगी, ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, दिया ही होगा वो तो पहले बता चुका सिम्टम में। और कुछ सिम्टम दिया है बुक में, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हेडेक तो होगा ही, ब्रेन हेमरेज। और कुछ दिया हो सिम्टम में, हो बुक में देखिए सिम्टम देखिए, नहीं सिम्टम हम ज़्यादा लिखा देंगे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, नहीं और देख लो। हाँ ब्रांकाइटिस भी है, ब्रांकाइटिस हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, और कुछ दिया होगा। हाँ कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, लो डिजीज या डिजीज है पूरा। और कुछ नहीं देश में, चलो चार पांच याद कर लो। देखो इधर हेडेक तो होगा ही, ब्रांग इधर देखो, ब्रेन हिमोराइज, ब्रेन हिमोराइज का मतलब होता है दिमाग की नसें फट सकती हैं, दिमाग की नसें फट सकती हैं। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रांकस में इन्फ्लामेशन आ सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है देखो स्टामक में अल्सर हो सकता है, अल्सर घाव बन सकता है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना, कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम। तो आपने साइड इफेक्ट क्या क्या देखा, देखो इधर साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट स्मोकिंग का क्या क्या हो सकता है, कैंसर ऑफ लंग, अरे बोलो न यार, हाँ कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कैंसर ऑफ थ्रोट, कैंसर ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी माउथ का, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इम्फाइसेमा हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग से इम्फाइसेमा होता है, सीओ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एस्फाइक्सिया हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन कमी और ऑक्सीजन की लैग भी हो सकता है, लंग डैमेज हो सकता है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, श्वास लेने परेशानी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ब्रेन हिमोरेज, दिमाग की नसें फट सकती हैं, दिमाग की नसें फट सकती हैं, ब्रोंकाइटिस, ब्रांकस में स्वेलिंग आ सकती है, अस्थमा हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होता है, इसे खींचेंगे 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 तो खींचेंगे, क्या खींचेंगे खींचेंगे, ऑक्सीजन, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर होगा, हमेशा दर्द बना रहेगा, कुछ खाएंगे जाके लगेगा जोर से, दर्द करेगा बहुत तगड़ा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, दिल में क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है, बोलिए ना, और हार्ट अटैक आ जाएगा तो अब गाना गाएंगे, दिल है कि मानता नहीं, कैसे मानेगा, मान जाएगा, जिन अटैक आ जाएगा उस दिन मान जाएगा, कहेगा बस हम जा रहे हैं छोड़ के, तब फिर आप गाना गाएंगे, ना जा तू हमें छोड़कर, बोलिए, लेकिन चले जाएगा, बातें हो गई ये, बहुत दिन तक तो स्मोकिंग करना नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इतना आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा,
इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप एक नीचे भी ग्राफ ऐसे ऐसे बना लीजिए चार्ट, ऐसे एक और चार्ट जैसे लिखे हैं ना वैसे इसको भी लिख सकते हैं। पहला ब्रेन हीमोरेज ब्रांकाइटिस गैस्ट्रिक अल्सर इम्फाइसेमा, एक कैम को लिख डालो सब ऐसे इम्फाइसेमा कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया। ये ब्रेन हिमोरेज हो गया, ब्रांकाइटिस हो गया, ब्रेन हेमरेज मतलब ब्रेन नसें फट जाएंगी, ब्रांकाइटिस मतलब आप जानते हैं ब्रांकस में स्वेलिंग आ जाएगी ब्रांकाई में, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, इम्फाइसेमा मतलब इम्फाइसेमा में आप जानते हैं मैं बता चुका हूँ लंग की इफिशियंसी क्या हो जाएगी घट जाएगी, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये सारे सिम्टम्स हो जाएंगे। पाँच ठुस्कत कर ले तीन तीन, ये आपकी बुक में तीन ही दिया ये वाला, चौथा नहीं दिया ये माउथ कैंसर, जबकि सबसे ज़्यादा कैंसर इसमें माउथ कैंसर चुबे को चीविंग से ही होता है, हैं ही देखे पूरा एकदम नड्यूल बन जाएगा इसे यहाँ पूरा, बात समझ गए ये सारे सिम्टम्स हैं, समझ में आया। ये ज़्यादा घातक है, ये थोड़ा कम घातक रहेगा मगर घातक तो है ये है दोनों। बोलिए भाई कैंसर इसका मतलब ले ही जाएगा, इसमें संभावना भी है कुछ बच सकते हैं, इसे दोनों को जानते रहिएगा, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। बचेंगे कैसे, खूब पीजिए खूब खाइए, क्या पीजिए सिगरेट एक पी रहे हैं तो चाट पीजिए, सुरती दो बार खा रहे हैं पांच बार खा रहे हैं 10 बार खाइए, बचने का तरीका ताकि जल्दी ऐसे चले जाओ है कि नहीं, ये सब बचने का तरीका है। 4 सिगरेट पी रहे 10 सिगरेट पियो और क्या करो, अगर 5 बार सुरती खा रहे हैं 6 बार सुरती खा 15 बार खाओ ताकि जो बचने वाला है जल्दी खत्म होकर निकल जाए, हमारी बात समझे। पान गुटखा पान मसाला ये सब एकदम छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दीजिए, सिगरेट पीना बंद, पान में सुरती खाना बंद, बीड़ी सिगरेट पीना बंद, सुरती खाना बंद, बोलिए सुंघनी करना बंद, आप कोलगेट स्ट्रांग टीथ मंजन करेंगे दातुन करेंगे, बोलिए छोड़े सब बातें, ये भूली बसरी बातें हैं सब। अगला है एडोलेसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज है, यही है भैया एडोलेसेंस एंड अल्कोहल एडोलेसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज। एल्कोहल एल्कोहल ही नहीं है, ड्रग्स एंड एल्कोहल दोनों दिया होगा, ड्रग्स ऑब्लिक एल्कोहल एब्यूज। ये देखिए तो हम एक बार बता दे रहे हैं, ड्रग्स तो आप जान चुके हैं कुल कुछ करेंगे नुकसान करेगा ही किसी की कीमत पे, एल्कोहल एब्यूज
इन यूथ, इन यूथ मतलब, यूथ मतलब होता है जो हमारे नौजवान भाई बंधु हैं, भाइयों बहने हैं, दीदियां हैं, महिलाएं हैं, बूढ़ा दाई लोग हैं, नैकी दाई लोग हैं, सब में प्रॉब्लम होती है। पहली जनवरी के दिन देखो 2023 में पहली जनवरी के दिन मैंने आराम से देखा हुआ था, हमारे कोचिंग से कुछ ही दूर पे सड़क के किनारे लाज है, लड़कियों का लाज, और वो सब पहली जनवरी कैसे मना रही थी वो बात आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये सब नहीं होना चाहिए। अस्त व्यस्त कपड़ों से लैस, अस्त व्यस्त कपड़ों से लैस, और ग्लास में ड्रिंक ले ले, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हाँ ये ड्रिंक एल्कोहल वाला, एल्कोहल ड्रिंक लेके सब चार छः ठो दस छोड़ के दिखाए नशे में, लाज मतलब समझ रहे हैं ना, लड़कियों का वो जो है जिसको बोलते लाज, जड़ लड़कियाँ जहाँ रहती हैं, और पी के एकदम सब सड़क के बगल में, सड़क से ही कुछ दिखाई देता है एकदम बगल में ही, एकदम पी के सब बुतहाल कंडीशन में, मतलब नशे की कंडीशन में, वो मस्ती करे तो डांस हो रहा था, धागिर रही धाग उठ रही धागिर फिर पी रही हैं, जाम पे जाम लगे जा, ये है। जब महिलाओं की कंडीशन है तो पुरुष का क्या हाल होगा सोचिए। दारू के ठीके पे चले जाएंगे तो लाइन लगती है, दूध वाले को घर दूध घर घर पहुंचाना पड़ता है, दुधारा जो बेचारे होते हैं वो घर घर पहुंचाएंगे, घंटे बजाएंगे हेलो दूध ले लीजिए, तो उसमें से आधे घंटे बाद महिला निकलेगी, अच्छा खड़े में आ रहे हैं बर्तन लेके, और दारू ठीक अब चले जाओ तो लाइन लगा, अरे भैया पहले हमें दो, ऐसे हाथ लगा के ऊपर बढ़ा के, 70 वाली चाहिए कि 80 वाली, लो 70 ठहर रही है ले जाओ, लाइन लगा के वहाँ दारू पीते हैं। और दूध अगर, क्योंकि दूध नुकसानदायक है, दूध नुकसान करेगा ना, क्योंकि पेट में जाएगा पचेगा, उसमें प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, तो नुकसान करेगा। अल्कोहल जो होता है लीवर डैमेज करेगा, फ़ायदा करता है, करता है ना, एल्कोहल खूब पीजिए, लाइन लगा के पीजिए, ठंडी में जो है देखेंगे तो कुल जानते हैं, अब अगर कहीं फंक्शन वंक्शन पड़ेगा शादी उदी में तो कुल मूड बना बना जाएंगे, वो लड़के भी जाते हैं तो बियर ले लेंगे, कहेंगे अब एक जो 120 रुपये का लेके आओ चल पिया जाए बियर, हाँ और ले के पियेंगे, और पीने के बाद तब मूड जब बनेगा तब भांगड़ा नृत्य करेंगे, फ्राग डांस करेंगे और नागिन डांस करेंगे, अब अगर वहीं पानी बरस गया तो वही किचड़वा में नाच नाच डांस करेंगे, किचड़वा में लोट लोट डांस करेंगे, वो नहीं डांस करते हैं, वो एल्कोहल डांस करवाता है उनको, बात समझ रहे हैं ना, समस्याएं हैं। तो यूथ में, इन यूथ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, ड्रग एब्यूज, एब्यूज इंक्रीजेज, रैपिडली विथ इंक्रीजिंग फैशन, फैशन बढ़ने के कारण हो रहा है, एक ही फैशन नहीं, डॉक्टर बनने का फैशन, डॉक्टर नहीं बन पा रहे, सोच रहे दरुआ पी के मस्त हैं, चलो घर जाकर देख हमारा तबीयत खराब रहा, लीवर डैमेज जाएगा, जाएगा आत्महत्या कर लेंगे, सरकार को नियम निकालना पड़ जाएगा कि पढ़ाई 2 दिन गायब कर दीजिए, टेस्ट कम लीजिए, इसमें 5 चैप्टर गायब कर दीजिए, इतनी पतली पतली बुक है बायोलॉजी की, दो हम नहीं पढ़ पा रहे बेचारे, उसमें सरकार की नीतियां भी दोषी हैं, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन नहीं देगा वो लाइन उठा के दे देगा, रट्टन विद्या वाला काम कर जाएगा, जो समझे रहेगा उसको काम काम करना पड़ेगा, बोलिए सही गलत है, पहले कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आते थे, हमारी बात समझे, इतना कम बताओ, इतना कम सिलेबस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं,
और लड़के एक पढ़ने के नाम पे कलंक होते जा रहे हैं, उतने पढ़ने में नानी मौसी कुल याद आ जा रही हैं। तो ये फैशन कारण बहुत लोग पीना चालू कर दिए हैं। अब एक दोस्त पीरा दूसरे को सिखा देगा, तू भी पीबे या थोड़ा सा, तीसरे को लगेगा कि अभी आया थोड़ा थोड़ा लेते हैं, मूड बनाओ थोड़ा, देख कैसा लगता है, अच्छा देख, जब एक दिन पी लेगा तो उसको जब आनंद छाएगा कहेगा भाई हम कल से हम भी लाएंगे। अब वो जानते हैं एक दिन अपने पैसे पिला देगा, अब फिर उसके बाद तुम्हारे पैसे से पिएगा ना चालू कर देगा। अब एक ग्रुप बन जाएगी, मंडली बन जाएगी। किसकी मंडली बन जाएगी? एब्यूज़र की, गाली देने वालों की नहीं, ड्रग को कौन, नशाखोरों की मंडली बन जाएगी। गए थे तैयारी करने कोटा में और चोटा पहन के चले आए, चोटा बन के चले आए, चोटा महाराज। कैसे बन के चले आए? एल्कोहल ड्रिंकर बन के चले आए, नशाखोर बन के चले आए, चोर बन के चले आए, ड्रगिस्ट बन के चले आए। मैंने ऐसे लड़कों को देखा, मैं एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, ऐसे लड़कों को देखा है। करते क्या है सुनो, जैसे ये कफ सिरप होता है ना, कफ सिरप, अरे कोरैक्स टोरैक्स कुल नहीं तो कफेक्स, सब होता है डिफरेंट वेराइटी नेम्स ट्रेड नेम से। कफ सिरप जो होता है उसमें 80% एल्कोहल, 75% एल्कोहल, 85% एल्कोहल, 65% एल्कोहल होता है एल्कोहल, उस पर सब्सिडी भी रहता है। 40 रुपये का 200 ml, 150 ml, 200 ml मिल जाता है। तो 2 cc ले लेंगे, 2 cc ले गड़ गड़गड़ पी जाएंगे कुल। दो फायदा हुआ उनको, इधर देखो, दो फायदा हुआ, पूरा नशा का आनंद भी आ गया, एकदम अल्कोहल पी लिए। 80% अल्कोहल होना, 70% अल्कोहल मजाक नहीं होता है। अल्कोहल का नशा आनंद भी आया और कोई जान भी नहीं पाया, क्योंकि दवा की दुकान पर दवा लेने गए थे हम, तो हम कहाँ दारू पिए, तब का पिए हो कभी? मैं दवा कफ सिरप था, हमको खांसी आ रही थी इसलिए पिए। 2 cc पी जाओगे तब? कहाँ, हाँ 2 cc में तब हमारा कफ ठीक होता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ड्रग्स की दुकान पे, दवा की दुकान पे जाएंगे तो कफ सिरप ले लेंगे, और कफ सिरप 2 cc गड़गड़ाक पी जाएंगे तो वो एल्कोहल का नशा करेगा, कोई जान भी नहीं पाएगा कि एल्कोहल पी रहा है ये। अगल बगल पड़ोस वाले, अगर वहाँ पे स्टूडेंट कोई पढ़ता होगा, भाई बहन पढ़ते होंगे, और ज़्यादा अगर प्रेशर बनाएंगे माता पिता, तो धीरे जाग कर फांसी लटक जा रहे हैं। लटक के जेबो तो केका लग जेबो, अपने जेबो ना, जाओगे तो आप ही, कोई जाएगा नहीं। एक आध दो चार दिन माई बाप रोप लेंगे और कहीं जाए तो ट्रक गवा जाए, दो क्या करेंगे, दिना रतिया रोएंगे। और ऐसे लोगों को नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, वो डिप्रेशन है, प्रेशर बन जाता है यहाँ पे। एल्कोहल तो जो ये एडोलेसेंस है, मतलब बिगड़ने की अवस्था, एडोलेसेंस मतलब होता है बिगड़ने की अवस्था है, ये बिगड़ने की अवस्था है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूजर। दारू के ठीके पे मैं जिस रास्ते जाता हूँ, पर डे मैं उस रास्ते पे देखता हूँ, वो पे दारू का ठीका है और सबसे फेमस ठीका है वो चौकिया में एक धाम के बगल वाला दारू का ठीका। वहाँ जब जाएंगे सुबह शाम दोपहर जब तब लाइन लगा रही है, इतने बड़े पिल्ला भर भर लकवे कुलत, पिल्ला पिल्ला देखे हो ना, पप्स लाइक, वो जाएंगे दारू पियेंगे। और जब शाम होगा जाने कोनिया के झाड़ी में जाए पिए कुल, ये बगले में से बैठ कर धीरे से 2 मिनट पी के हाँ चल अब, और सिगरेट पीते पीते आएंगे इतने बड़े बड़े। हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो ये है अल्कोहल एब्यूज, क्या फ़ायदा होता है उससे? अगर ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे थे, अल्कोहल पीने से, अल्कोहल एब्यूज से क्या होता है? ड्रग्स तो हम पहले बता चुका हूँ क्या क्या हो सकता है, यूफारिया हो सकता है, हालूसिनेशन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रभावित हो सकता है, इलाटा प्रॉब्लम हो सकती है ड्रग्स से ना, और अल्कोहल एब्यूज से क्या होगा, एल्कोहल ए भी उससे क्या होगा? एफेक्टेड ऑर्गन कौन होता है? लीवर, सिरहोसिस, बहुत ज्यादा नहीं बताएं, छोटे में ही आपको हम सब समझा दे रहे हैं। लीवर सिरहोसिस, लीवर सिरहोसिस हो जाता है, इसको बोलते हैं। ये देखो लीवर सिरहोसिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम लीवर,
ब्लीडिंग फ्रॉम लीवर, लीवर से ब्लीडिंग होने लगेगा, लीवर सिरोसिस होगा, एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ये सबसे मेन है, पूछता आपसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, विथड्रॉवल सिंड्रोम, विथड्रॉवल सिंड्रोम समझते हैं, अलग थलग रहना, विथड्रॉवल सिंड्रोम हो जाएगा, विथड्रॉवल सिंड्रोम, नहीं समझे? ये सोच रही कहाँ कहाँ स्कूल पढ़ा रहे हैं सर जी ने, बोलो जी, समझ में आ रहे हम कहाँ पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा एल्कोहल अब्यूज, जो एल्कोहल ज़्यादा ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एल्कोहल ड्रग अब्यूज इंक्रीज रैपिडली इन फैस, ये यूथ में बढ़ रहा है, इंक्रीज इन फैशन के कारण, या इंक्रीजिंग फैशन कारण बढ़ रहा है, या मेंटल प्रेशर, ये भी लिख लीजिएगा, मेंटल प्रेशर कारण भी होता है, मेंटल प्रेशर कारण भी हो सकता है, एल्कोहल एब्यूज से फायदा क्या होगा, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में लीवर डैमेज होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी लीवर में से, ब्लीडिंग फ्रॉम लीवर, लीवर कैंसर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पेट संबंधी गड़बड़ियां हो सकती है, माल नरिशमेंट भी हो सकता है, विथड्रॉवल सिंड्रोम हो जाएगा, अलग थलग रहना पसंद करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, अलग थलग रहना पसंद करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, इसको कैसे आप बचा सकते हो, कैसे रोक सकते हो, बोलिए इसको कैसे रोकेंगे, हाँ ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा होता है यूथ में, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इधर देखिए, अंड्यू पीयर प्रेशर, अंड्यू पीयर प्रेशर, सगे संबंधियों का प्रेशर होना, माता पिता का प्रेशर होना, सगे संबंधियों मतलब क्या, पेरेंटल प्रेशर, हर लड़का अगर आप ध्यान दीजिए, जरा ध्यान गौर करिएगा तो आप पहले समझिएगा, आज का लड़का मेंटली बेचारा वीक है, आज का लड़का आज की लड़कियां सुनो मेंटली वीक है, कैसे मेंटली वीक हो गए हैं, जैसे ही वो पढ़ना चालू करते हैं, अगर हाई स्कूल में उनका नंबर बढ़िया आ गया, नकल मार के चाहे जैसे भी आ गया, अगर 90-95% आ गया रिजल्ट, 85% तक, लड़का उनका बहुत तेज है, ये नहीं पता कि हो सकता है नकल मार किया हो, ऐसे ही किया हो, या वैसे भी किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 पे पढ़ने वाला बच्चा 14-15 साल का होगा,
जो माता पिता को छोड़ कभी गया नहीं है, बोले गया है कभी नहीं गया। आप क्या हुआ, जैसे 10 पास किया तैसे 11 में भेज दिए, चले जाओ बाहर, दिल्ली आकाश में चले जाओ, कोटा में चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, बोलिए ना वहाँ जाके पढ़ो। अब अकेला लड़का जो है, जो कभी माता पिता के साथ नहीं छोड़ा था, वो अकेले जाकर वहाँ रहेगा, बताइए उसके क्या दिमाग में, वो क्या है, मेंटली मेच्योर है, मेंटली मेच्योर नहीं। अब वहाँ जाएगा तो पहले अपने पहला दोस्त बनाना चाहेगा, अगर बाय द वे उसको दोस्त अच्छा मिलेगा पढ़ने वाला तो ठीक है, लाइन लेंथ मिला लेगा, और अगर थोड़ा सा दोस्त अच्छा नहीं मिला, अगर दोस्त गड़बड़ मिल गया तो बस दोस्ती शुरू हो गई, गड़बड़ा गया। तीसरी बात, हर माता पिता के कई ख्वाब होता है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता अपने बेटे को, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस, उसके नीचे ख्वाब नहीं देखता कोई, देखता है वो मेंटल एबिलिटी नहीं देखेगा कि आईक्यू लेवल कितना है, वो सिर्फ ये देखेगा, ख्वाब देखेगा कि हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस बने, उसके नीचे कोई सपना नहीं है, डायरेक्ट भेज देंगे। तो जब प्रेशर पड़ेगा माता पिता का, तो सगे संबंधी का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, अरे हमारे भाई का लड़का गवाह हुआ तैयारी करे, अरे हमारे मौसी का लड़का वहाँ का तैयारी कर, हमारे मामी का लड़का वहाँ तैयारी कर रहा है, बोलिए ना, हमारा भतीजा वहाँ तैयारी कर रहा है, खूब तैयारी कर रहा है, सब लोग का प्रेशर एकदम आशा बन जाती है, अगर ये डॉक्टर तैयार डॉक्टर बन के करेगा वो, और अगर डॉक्टर नहीं बना तो प्रेशर उसके ऊपर आता है, डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में आत्महत्या कर सकता है या एब्यूज़र बन जाएगा। तो माता पिता का भी कम योगदान नहीं, तो माता पिता काउंसलिंग करते रहना चाहिए। कितने तैसे होते हैं, रूम मिला हुआ है, माता पिता वहीं अगल बगल बैठे हुए हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं, घर का कैसे संभाला जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे नहीं चलाया जाए, वहीं पे देखेंगे बगल में लेकर मोबाइल चला रहा है, पढ़ाई नहीं रहा है। तो माता पिता के जरूरी होता है कि माता पिता काउंसलिंग करे उसका, माता पिता का काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि कब पढ़ रहा है, कब सो रहा है, कब खा रहा है, कोई गलत रास्ते तो नहीं जा रहा है, ये माता पिता काउंसलिंग होना चाहिए। और माता पिता रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, जैसे हम कभी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते, हमारे स्टूडेंट जो पढ़ रहा है तो उनको प्रेशर नहीं डालते, इसे नहीं डालते हैं कि जितना तुम्हारे पास क्षमता है तो अपना बेस्ट करो, नहीं बेस्ट कर पा रहे हो तो नेक्स्ट तो है ही है। बोलिए, मैं आपको 25 बार बताया हूँ कि हमारे यहाँ सबसे अभी आपको 4-6 लड़कियों को मिलवा दें, हम लड़के लड़कियों को मेडिकल की तैयारी के, फिजिक्स नहीं स्ट्रांग हुआ, बायोलॉजी में मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, 450 तक पा के लौट रुक गए, पहला बार एग्ज़ाम दिए, इंटर का लेक्चर वाले एमएससी सीबीएसई साइड में करते ही रहते हैं, उधर देखिए पहले बार के पहले बार में इंटर का लेक्चरर 1 लाख रुपये महीना तब कमा रहे हैं, लाइफ तो बैक जगह, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करती, कहीं ना कहीं आपको देगी ही, मिले तो बेस्ट बनना नेक्स्ट, यही मैं बता रहा हूँ ना। अपना भरपूर प्रयास करिए, अगर बाय द वे हो जाता है तो अच्छी बात है, क्या जरूरी है डॉक्टर बनना ही आपका लाइफ का उद्देश्य है, बोलिए, बिना डॉक्टर के लोग नहीं जी रहे हैं, मैंने डॉक्टर को आत्महत्या करते हुए देखा है, डॉक्टर को सुसाइड करते हुए देखा है, डॉक्टर तो आए दिन बेचारे मार झगड़ा उनसे होता रहता है, बोलिए ना, पेशेंट के गड़बड़ा जाए देखो दुष्ट टाइप के होंगे तो कॉलर पकड़ के ढकिया आपको देंगे, क्या है। आईएएस को मैंने देखा है कि वो सुसाइड कर लिए हैं, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर, प्रेशर हर जगह होता है, अगर आप बड़ा काम करेंगे प्रेशर होगा तो, लेकिन हाँ आप अपनी काम ईमानदारी से करें, मेरे कहने का मतलब ये। तो यहाँ माता पिता को जो एक्सपेक्टेशन होता है वो गड़बड़ है। एवॉयड अनड्यू पीयर प्रेशर, सब हेडिंग लिखा हुआ होगा इसमें, क्या क्या करना, एवॉयड करना अनड्यू पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर को एवॉयड करना है, माता पिता को काउंसलिंग करना होगा, पेरेंटल काउंसलिंग, और पीर का जो है अंडू पीर का क्या होना चाहिए, सहयोग भी मिलना चाहिए, हेल्प भी, अंडू पीर प्रेशर का अंडू पीर का हेल्प भी मिलना चाहिए। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो दिमाग को सेट करते हैं, उनकी भी सहायता रहना चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि बच्चा कैसे नॉर्मल वे में काम करे, हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो ये अवॉइड करने का तरीका है, प्रेशर माता पिता का नहीं लेना चाहिए बहुत ज़्यादा, सगे संबंधियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए,
और अगर किसी के बच्चे में प्रॉब्लम आ गई है तो पहले सबसे पहले माता पिता का सहयोग मिलना चाहिए उसमें। क्या मिलना चाहिए? माता पिता का सहयोग, हेल्प मिलना चाहिए, सगे संबंधियों का सहयोग मिलना चाहिए, उनका माता पिता के द्वारा काउंसलिंग होना चाहिए कि हमारे बेटे में कोई गड़बड़ी कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, ये देखना चाहिए। और जानते क्या करना चाहिए, इसके अलावा जो है एक्सपर्ट डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं कि भाई इनको नशा मुक्त हम कर देंगे, उनकी सहायता लेनी चाहिए ताकि नशा मुक्त हो जाए। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, समझ रहे हैं ना, जो ब्रेन को क्या करते हैं, वास करते हैं, उनकी भी सहायता लेना चाहिए, एक्सपर्ट जो। तो इससे क्या होगा कि जो नशा है वो अवॉइड किया जाएगा। अवॉइड करने का तरीका बताया हुआ होगा उसमें, बात समझ रहे हैं ना। तो उसमें हाउ अवॉइड एल्कोहल एब्यूज, ड्रग एब्यूज, हाउ अवॉइड एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, कैसे अवॉइड करें एल्कोहल ड्रग एब्यूज का। तो उसमें हेडिंग दिया होगा, पहला हेडिंग क्या है बताइए, हम आपसे सब समझाते रहे। अंतिम हेडिंग दिया होगा जी, अंतिम में पहला क्या है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, पहला पॉइंट अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। सगे संबंधियों के, देखो सगे संबंधियों का अनड्यू मतलब स्पेलिंग अनड्यू क्या दिया वो देख लीजिए, E-N-D-E-U ये है ना, अच्छा अनड्यू पीयर प्रेशर, अनड्यू पीयर प्रेशर, सगे संबंधियों के प्रेशर को हटाना चाहिए। दूसरा क्या दिया हुआ, इसको देखिए, हाँ एजुकेशन एंड काउंसलिंग करो, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, बच्चे की देखरेख होते रहना चाहिए और उनके ड्रग्स और एल्कोहल के विषय में क्या हो, जैसे हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपको विश्वास नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक टीचर है, हमारे यहाँ एक टीचर है, इस समय करीब 65 साल के ऊपर जा रहे हैं, 65 के अबव, आप देख लोगे तो उनको लगेगा, देखने के बाद आपको लगेगा कि यार तो ये तो अभी 35-40 साल के होंगे, इतना बॉडी फिट मेंटेन किए हुए हैं, बात समझ रहे हैं ना, इतना बॉडी मेंटेन किए हुए हैं 65 साल, लेकिन देखने में लगेगा पोता पोती नाती नतनी सब हो गए, लेकिन बॉडी देखो फिटनेस लगेगा कभी 35-40 साल के हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स कुल निकला हुआ, ऐसे तगड़ा ऐसे रहता, ऐसे रहते, इधर देखो ऐसे, इधर देखो ये वाला निकला रहता है, ये वाला अंदर रहता है, और जब टी शर्ट पहन लेते जैसे लौंडा लगते हैं, मजाक में नहीं कर रहा हूँ, इसको सीरियसली लीजिए। तो क्या है वो, एजुकेशन एंड जानकारी उनको है, इसलिए नशा मुक्त नहीं, नशा करते नहीं है, तो एजुकेशन देना चाहिए और बच्चों को काउंसलिंग करते रहना चाहिए, किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तीसरा हेडिंग हाँ, सीकिंग हेल्प, हाँ सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स से, पेरेंट एंड पीयर्स, माता पिता और संबंधियों का क्या उन्हें मिलना चाहिए, हेल्प सहायता मिलनी चाहिए। इधर देखो सीकिंग हेल्प्स, उनको आवश्यकता होती है किसकी, तलाश होती है किसकी, पेरेंट की और
पीर्स, पीर्स मतलब सगे संबंधी ना, लिख लियो हिंदी में, नहीं अंग्रेजी उड़ जाइए धप से, है ना। तो मैंने क्या कहा, माता पिता की हेल्प मिलना चाहिए, सगे संबंधियों का हेल्प मिलना चाहिए। हेल्प मतलब क्या, सहायता, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो हम चलते घूमने चलते हैं, चलो टहलने चलते हैं, चलो ये करते हैं, मतलब कोई ना कोई व्यवस्था दिमाग में रहता है कि उनका दिमाग साइकोलॉजिकली घूम जाए। बात समझ रहे हैं ना, ये सब बातें ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम भी घूमने ले चलने वाले हैं सबको, मजाक में नहीं कर रहा हूँ, सबको घूमने ले चल रहा हूँ, ट्रैवलर सेट कर रहा हूँ वाराणसी तक पूरा, काशी विश्वनाथ नए वाले पुराने वाले, और उसके बाद सारनाथ, उसके बाद जो है सारनाथ इधर घुमा टला के जूहू है ना, सम्राट अशोक का स्तूप सब दिखा उखा कर लेके आएंगे, ठीक है। और एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जै जिस दिन मूड करेगा उस दिन ट्रैवलर फिट करेंगे वही, जिसमें 25-30 लोग जाते हैं। अरे ट्रैवलर वाला जो बसिया नहीं है तो छुट्टी वाली एक ठो, तू का सोचो, अरे इनोवा लेके चलते तब तो 4-5 लेके चलना पड़ता, 4-5 हो तो भी लेके चलते, कोई टेंशन नहीं था, है चंदा नहीं लेंगे, पैसा लेंगे कि तू कहे बस तू दे दे वो खा लेगी, पागल है तो चंदा लेके हम चलेंगे बेकार हो जाएगा। जब बताइए हमारे बड़े पास इतने बड़े बड़े काश्तकार हैं पैसे वाले, तो हमें जरूरत कौन चीज़ का है। एक तो देखो विधायक है ये है नीरज विधायक, एक नीरज विधायक, एक तो दो लोग मेंटेन कर, बस हो जाइए, एक लोग को बोरा, एक लोग को बोरिया पैसा रखा है, उनसे ले लेंगे कुछ, है कि नहीं, हो गया। नेक्स्ट, हाँ, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, यही ना, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अगर लक्षण दिखाई दे डेंजर खतरे का तो उनको क्या करना चाहिए, अगर खतरे का निशान दिखाई दे, ये खतरा दिखाई दे कि नशे की तरफ जा रहा है लड़का लड़की जो भी है, हमारे हमारा बेटा बेटी चाहे रिश्तेदार जो भी, उनको समझाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और सीकिंग प्रोफेशनल, बोलो जी, प्रोफेशनल एंड मेडिकल डबल ई के सी के है, हाँ, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प्स। अब क्या लेना चाहिए, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। जो प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल मतलब जिनका काम ही है दवा दारू, मतलब दारू छुड़ाना, एल्कोहल को छुड़ाना, ड्रग्स को छुड़ाना, उनकी सहायता लेनी चाहिए। बस और कुछ है, एक डॉक्टर होगा, खत्म। इतना देखे, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता लेकिन आपको जानना जरूरत है। एवॉयड एंड्यू पीर प्रेशर, सगे संबंधियों का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, पहली बात याद आया। तो प्रेशर कोई मत लियो, माता पिता को इतना कि डॉक्टर बने ही गए, ना बनेंगे, ना बनेंगे, हम इंटर का लेक्चर बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, कुछ बनेंगे, डॉक्टर बनना होगा तो एक साल बाद बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, बनेंगे, हौसला बुलंद है तो कोई टेंशन नहीं, एक साल बाद बनेंगे, हम 9-9 साल बाद, 10-10 साल बाद डॉक्टर बनते हुए देखा है। एजुकेशन काउंसलिंग क्या देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, हर लड़के को शिक्षा देना चाहिए, एल्कोहल का और ड्रग्स का क्या है साइड इफेक्ट होता है, ताकि उसके दिमाग में भय बना रहे, वो एक साइकोलॉजी बनी रहे कि हम ड्रग्स ले लेंगे एल्कोहल तो ये प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो ये एजुकेशन और काउंसलिंग बहुत जरूरी है, बच्चे को देख रेख करते रहना चाहिए, कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, माता पिता का और सगे संबंधियों को क्या मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। फिर क्या है, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, डेंजर साइन देखना चाहिए, अगर कोई आपको पता चले कि गड़बड़ रास्ते पर जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करवाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प्स, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जो प्रोफेशनल है, नहीं लिखा रहता है एक हफ्ते के अंदर दारू छुड़वाने की गारंटी, पेपर में निकला रहता है, बोलिए ना, लिखा रहता है ना,
तो वो सब प्रोफेशनल है, छुड़वा सकते हैं। ये सब बातें किसके विषय में? एल्कोहल ड्रग्स अब्यूज़। इसके बाद मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, जानते हैं इकोलॉजी के तीनों टॉपिक, पहले तीन चैप्टर बचा हुआ, पहले इकोलॉजी ख़त्म कर लेंगे, फिर बचेगा मैथ, ये हम दिसंबर के अंदर ही ख़त्म कर ले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। दो दो तीन दिन के चैप्टर लगेगा कल दिन में, डिटेल जानकारी देने की फिर हमारी मुलाकात होगी कल। चल।